बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास थ्री। दिस इज़ योर बुक टाइटल, टेबल कंटेंट न्यू काउंटडाउन, टॉपिक नंबर्स ऑपरेशंस, एक्सरसाइज टू ई, पेज नंबर 95 और 96। अब इसमें आपके पास डिवीजन है, ये सारे क्वेश्चन 9 to onwards आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपके पास डिवीजन के हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है वर्क आउट दीज, यानी आपने डिवाइड करना है। सॉल्व एंड राइट रिमाइंडर एंड क्वेश्चन, यानी इसका रिमाइंडर आपके पास बाकी जो आएगा वो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टार्ट वर्क विद द हंड्रेड एंड देन डिवाइड द टेंस देन डिवाइड द वंस, कि आपने पहले टेंस हंड्रेड से डिवाइड करना है, यानी 5 0 5 इस तरह आपने ऑनवर्ड जाना है, यानी आपने लेफ्ट साइड से ऑनवर्ड आके राइट साइड पर जाने से। क्वेश्चन नंबर 12 13 14 15 16 एंड 17 है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे, वर्क आर दीज आउट, ठीक है। अब आपने किस तरह डिवाइड करना है, आपके पास है 69 3, यानी 69 को आपने डिवाइड करना है 3 से। तो पहले आप फर्स्ट डिजिट देखें, फर्स्ट वाला नंबर आपके पास डिवाइड हो रहा है ना, यानी 6 आपका डिवाइड हो सकता है। तो 3 2 6, माइनस किया तो 0 आ गया, 9 आपका नीचे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, 3 3 9, रिमाइंडर आपका बाकी क्या रह गया, क्रॉस। अब आप यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं और इस तरह एक्स का साइन भी लगा सकते हैं। एक्स का साइन हम लगाते हैं कि यहाँ पे हमारी डिवीजन जो है वो कंप्लीट होगी, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। इसी तरह 4 1 4, माइनस किया 0, 4 2 8 आपके पास 0। इसी तरह 5 1 5, 5 1 5, यानी आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी 5 11 55 करके आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ सकता है। इसी तरह डी पार्ट है, ये बाकी सारे रिमेनिंग पार्ट्स आपने भी नोटबुक पे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, सेम क्वेश्चंस हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। सॉल्व एंड राइट द रिमाइंडर आर एंड क्वेश्चन, ठीक है, कह रहे हैं कि आपने रिमाइंडर और क्वेश्चन जो है वो फाइंड करना है। ए है 67 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 6, माइनस किया 0 आ गया, 7 हम नीचे ले आएंगे, 3 2 6, माइनस किया तो 1 आ गया रिमाइंडर आपके पास। इसी तरह बी पार्ट है, 29 से डिवाइड करना है आपने 2 को, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 29, 2 1 2, माइनस किया 0 आ गया, 9 आपका शिफ्ट हो जाएगा, 2 4 8, माइनस किया तो 1 आ गया रिमाइंडर आर। सी है आपके पास 91 एंड 3, 3 को आप डायरेक्ट 30 से भी कर सकते हैं, 3 30 90, माइनस किया तो आपके पास 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह 46 को 4 से करेंगे, 4 1 4, माइनस किया 0, 6 आपके पास नीचे शिफ्ट हो जाएगा, 4 1 4, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा रिमाइंडर। इसी तरह ई एफ जी और एच आपके पास पार्ट हैं, ये भी आपने अपनी नोटबुक पे जो है वो नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्टार्ट विद द 100 देन डिवाइड द 10 देन डिवाइड द 1। अब कह रहे हैं आपने 100 से स्टार्ट करना है, ये तो हमें पता है कि हम जब भी डिवीजन करते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, 100 फिर 10 फिर 1, इस तरह हम जाते हैं, ठीक है। अगर 1000 में आ रहा है तो 10 100, इसी तरह हम डिवाइड करते जाते हैं, पहले 1000 100 फिर 10 फिर 1 हम डिवाइड करते हैं। तो 5 1 5, माइनस किया 0, ये 0 आपके नीचे शिफ्ट हो जाएगा, 5 0 0, माइनस करेंगे तो 0, 5 नीचे आ जाएगा, 5 1 5, माइनस करेंगे तो क्रॉस। अब आप क्रॉस भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे 0 को साइन में। इसी तरह बी सी एंड डी पार्ट है, आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है। ई एफ जी और एच भी सेम इसी तरह है, आपने डिवीजन करनी है, आप लोगों ने डिवीजन की होगी पहले भी। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आपके पास आई जे के और एल ई सी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम आपके पास यही है, कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग सम्स इन योर नोटबुक। अब आपको मैंने ये सॉल्व करके क्वेश्चन दे दिए हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 के 4 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट आपके पास ई एफ जी और एच बी पार्ट्स यहाँ पे गिवन है, आपने ये अपनी नोटबुक पे इसी तरह कॉपी करने हैं, नीट एंड क्लीन आपने कॉपी करने हैं। इसी तरह एरो नीचे मेंशन करना है कि आपके पास आ रहे हैं। अब होमवर्क है आपके पास एक्सरसाइज 2E, क्वेश्चन नंबर 13 14 15 16 एंड 17, आपने खुद सॉल्व करना है और आपने देखना है कि आपको कितनी डिवीजन जो है वो आप लोगों ने डिवीजन को अंडरस्टैंड किया है और आपको कितना आता है। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको टेबल्स आने चाहिए, तो टेबल रिवाइज़ करने के बाद आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपने अपनी नीट नोटबुक पे इसको कॉपी करना है।